नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। देखिए कितनी शानदार बात लिखी है यहाँ पे। अगर आप इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हो, जैसे कि कोई वो आपके पास में सामान हो, या फिर आपके पास में अपने माता पिता हो, या फिर कोई व्यक्ति हो जिससे आपके रिलेशन हो, तो जो भी आपके पास है उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। जैसे कि यहाँ लिखा है, जो नहीं है हमारे पास वो एक ख्वाब है, पर जो हमारे पास है वो लाजवाब है। जी हाँ दोस्तों, आपके पास कोई सामान हो सकता है, या फिर आपके माता पिता हो सकते हैं, या आपके आपके पास में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिससे आपके वो क्या हो, रिलेशन हो, तो उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। क्योंकि जिस दिन आपके पास वो नहीं रहेगा, उस दिन क्या होगा, आपको बहुत दुख होगा। तो आपके मन में क्या रखना, आपको प्रोग्रेसिव थॉट रखना, मतलब जो चीज हमारे पास में नहीं है, मान लीजिए आपके पास में तो क्या है, मतलब पूरी बॉडी बनाकर दिया भगवान ने, अगर उस व्यक्ति को हम देखेंगे जिसके पास में हाथ नहीं है, कान नहीं है, या फिर आंख नहीं है, या फिर पैर नहीं है, तो उस व्यक्ति को देखेंगे तो उसके पास तो ऐसी बहुत सी चीजें नहीं है जो हमारे पास में है। तो जो भी चीज हमारे पास में है वो बहुत है, मतलब उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। जिस दिन वो हमारे पास में नहीं रहेगी, या फिर वो सामान हो सकता है, या फिर कोई व्यक्ति हो सकता है, तो सबकी रिस्पेक्ट करते हुए चलना है। और परेशान होने की जरूरत नहीं है जो हमारे पास में नहीं है, क्योंकि आप प्रोग्रेसिव थॉट रखोगे तो वो भी एक ना एक दिन हमको प्राप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज 15 अप्रैल है और आज हमको मॉर्निंग कैप्सूल के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट डे, करंट अफेयर्स, पीआईबी न्यूज देखेंगे, इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में जानेंगे, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी मैथ प्रैक्टिस के अंतर्गत एक कंट्री देखेंगे, पिछले डे के क्वेश्चन के आंसर और नए क्वेश्चन आपके लिए होंगे। आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं या फिर ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। यदि आप पीडीएफ चाहते हो तो टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी और फेसबुक पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों जो है, कल पॉलिटी के 2 लेक्चर डाले थे, जैसे कि एक बात करें हम तो एक पूरा कंप्लीट लेक्चर था फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, और एक था क्या उसका क्विज था, मतलब जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसका क्विज था। तो आपने यदि नहीं देखा है तो उसको देख सकते हैं। जो क्विज है आपके वो लेक्चर वाइज चलेंगे, आप जो जब भी हमको टाइम मिलेगा तो क्विज हम उसमें अपलोड करते जाएंगे। तो यदि नहीं देखे हैं तो उसको आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, या फिर जो इस वीडियो के अंत में आपको 4 वीडियो की लिंक आपको मिलेगी स्क्रीन पर, उसे क्लिक कर भी आप क्या कर सकते हैं, उन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा इम्पोर्टेंट डे क्या रहेगा, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। तो जैसे कि यहाँ बात करते हैं हम, तो ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 14 दिसंबर को, और इसी के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम वर्ष 2001 में क्या किया गया था, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा लागू किया गया था। और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो एक क्या प्रकार का क्या है, संवैधानिक निकाय है जो भारत सरकार के अधीन आता है, और इसका उपयोग क्या किस लिए किया जाता है, नीतियों और रणनीतियों के विकास में मदद करने के लिए किया जाता है। उद्देश्य क्या है इसका, जो पेशेवर है, योग्य है और ऊर्जावान प्रबंधक है एवं लेखा परीक्षक है उनकी नियुक्ति करना है, और उसके बाद क्या किया जाएगा, इससे संबंधित जो परियोजना है उनके नीति निर्धारण, वित्त प्रबंधन, क्रियान्वयन की विशेषज्ञता आदि का इसमें प्रबंधन किया जाएगा। और भारत सरकार द्वारा जो लोग है उसमें दैनिक जीवन में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 1977 में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन PCRA की स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं जैसे कि हम ऊर्जा को कैसे बचाएं, तो हमारे घर में जो है बल्ब हम जलाते हैं, तो उन बल्बों में जैसे कि बात करें तो 100 वाट के जो बल्ब है या CFL है उनको रिप्लेस कर दें, किससे, LED बल्बों से। और एक और चीज की जा सकती है, जैसे कि आप सिंटेक्स रहती है हमारी छत के ऊपर पानी की टंकी, उसे भरने के लिए हम नीचे मोटर, विद्युत मोटर का प्रयोग करते हैं, तो क्या करना चाहिए, हमारी जो टंकी है वो अगर 10 मिनट में भरती है तो हम उसमें टाइमर का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब 10 मिनट बाद जो हमारी विद्युत मोटर है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाए। तो इस प्रकार जो है हम छोटे छोटे प्रयास करके ऊर्जा को बचाया जा सकता है। अब इस दिवस की जो इम्पोर्टेंस है किस लिए है, ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है प्रत्येक वर्ष विशेष विषय के साथ, मतलब कुछ लक्ष्यों और उद्देश्यों को ध्यान में रखकर लोगों के बीच में प्रभावशाली बनाने, मतलब ऊर्जा संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने, और यह जो है लोगों के बीच में जीवन के हर क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण के महत्व को संदेश भेजने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। बात करते हैं सड़क सुरक्षा ट्रस्ट फंड की, तो ये स्टार्ट किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। अब संयुक्त राष्ट्र के द्वारा स्टार्ट क्यों गया है, क्यों किया गया है, जैसे सड़क सुरक्षा ट्रस्ट जो है, सड़क में हम देख सकते हैं अभी दिन ब दिन क्या होते जा रहे हैं, दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है, तो उससे क्या होती है, बहुत सारे मतलब मौत हो जाती है और बहुत सारे लोग जो होते हैं घायल हो जाते हैं। अब घायल हो जाते हैं तो उनकी मतलब उनके इलाज के लिए, फिर जो जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवार में,
जो है मतलब आर्थिक सहायता के लिए ये स्टार्ट किया गया है संयुक्त राष्ट्र द्वारा, मतलब सड़क सुरक्षा ट्रस्ट फंड। और दुनिया भर में जो है इसकी दृष्टि को देखते हुए, खास करके यदि बात करें तो भारत और कनाडा की दृष्टि से, मतलब भारत और कनाडा में है सबसे अधिक जो है ये हादसे, मतलब जो सड़क दुर्घटना है वो ज्यादा देखने को मिली। इसी के तहत जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा, मतलब संयुक्त राष्ट्र द्वारा सड़क सुरक्षा ट्रस्ट फंड की स्थापना की गई है। इसके साथ साथ यदि बात करें तो इस फंड का इस्तेमाल किस लिए किया जाएगा? सुरक्षित और सहज परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराने हेतु किया जाएगा। वैश्विक परिदृश्य की यदि बात करें तो सड़क दुर्घटना में होने वाली जो मौतें हैं एक गंभीर समस्या बन गई है, और प्रति वर्ष जो होता है सड़क दुर्घटनाओं में लगभग जो है 13 लाख चालकों, मतलब वाहन और सवार हो जो पैदल यात्री, उनकी मौत हो जाती है। खास करके देखें तो जो 5 करोड़ लोग हैं घायल हो जाते हैं, और लोगों की सुरक्षा और नुकसान की भरपाई के लिए यह फंड की, मतलब इस फंड को शुरू किया जा रहा है। क्लाउड प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो ये चीन के द्वारा है सबसे उन्नत वैज्ञानिक क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो इसको लॉन्च किया गया है। तो इसमें क्या किया जाएगा, वैज्ञानिकों के द्वारा अनुसंधान, नई खोज और उसको आगे बढ़ाने के लिए सुलभ और सटीक और सुरक्षित डेटा सेवा प्रदान करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। चाइना डेली के मुताबिक यदि बात करें तो चीन जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लाउड, जिसे चीनी विज्ञान अकादमी के कंप्यूटर नेटवर्क सूचना केंद्र द्वारा तैयार किया गया है, वो जो है अनुसंधान संस्थानों, वैज्ञानिक प्रमुख वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों और साथ ही साथ देश के शीर्ष विश्वविद्यालय और निजी अनुसंधान केंद्रों से ये आंकड़े एकत्रित करेगी। इसके अंतर्गत जो है 5 प्रकार के एप्लीकेशंस, मतलब अनुप्रयोगों को है जो शामिल किया गया है, जैसे डेटा रिसोर्सेस, क्लाउड कंप्यूटिंग विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और सुपर कंप्यूटर। इसके अलावा देखिए रिसर्च सॉफ्टवेयर, रिसर्च कम्युनिटी नेटवर्क, और जो लास्ट है विदेशी वैज्ञानिकों और प्लेटफॉर्मों के लिए आउटरीच शामिल किया गया है। तो इन चारों जो एप्लीकेशन है इन पर ये वर्क करेगा। बात करते हैं मनरेगा की। मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो इसकी जो है मतलब इसका जो अधिनियम है संसद में कब पारित किया गया था, 2005 में सितंबर में, पर इसकी जो शुरुआत हुई है फाइनली 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश से हुई है। और शुरुआत में इसका नाम क्या था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, पर क्या हुआ 2 अक्टूबर, मतलब गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में 2009 में इसका नाम बदल दिया गया, और क्या कर दिया गया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे हम बोलते हैं मनरेगा। तो यह जो कानून है वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वैसे सभी वयस्क सदस्यों को जो कि क्या है अकुशल श्रम के लिए तैयार है, उनको 100 दिनों के रोजगार, और इसके अलावा देखें तो सूखा प्रभावित क्षेत्र या जनजाति क्षेत्रों में 150 दिनों का रोजगार, इसकी गारंटी प्रदान करना इसका लक्ष्य है। इस कानून में यह प्रावधान है कि लाभार्थियों में कम से कम 33%, मतलब जो 100% रोजगार दिया जाएगा, 100% में से 33% कौन होनी चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए। और इस योजना का जो क्रियान्वयन है ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है तथा लाभ जो है प्राप्तकर्ता इकाई परिवार है। अधिकार जो है मतलब रोजगार योजना रोजगार पाने के जो कानूनी अधिकार के रूप में शुरू की गई आता है अन्य योजना से। अब क्या किया जाएगा, जैसे कोई व्यक्ति रोजगार का आवेदन फिल करता है तो उसको 15 दिनों के अंदर रोजगार प्रदान किया जाएगा, तथा जो श्रमिक है मतलब जो काम करने वाला है उसके निवास स्थान से, मतलब जहां वह रहता है उसके 5 किलोमीटर के दायरे में उसको रोजगार को की उपलब्धता कराई जाएगी। और यदि इससे अधिक होता है, मतलब 5 किलोमीटर से अगर अधिक होता है रोजगार की दूरी, तो उसको जो है परिवहन मतलब यात्रा का जो है यात्रा भत्ता जो है उसको भी प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 8वीं एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय 3R फोरम। 3R का मतलब क्या हो गया, रिड्यूस रियूज रिसाइकल। तो इसके उपलक्ष्य में ये फोरम का आयोजन किया गया है, कहाँ पे, इंदौर में। तो ये शुरू हुई थी 9 अप्रैल को और एंड कब हुई है 12 अप्रैल को। ये छे जो है क्षेत्रीय एशिया पैसिफिक 3R फोरम है, जिसकी बैठक का समापन हो गया है। तो फोरम की जो बैठक है 106 भारतीय शहरों के मेयरों सहित 45 से अधिक देशों के 700 से अधिक प्रतिनिधियों ने 3R यानी कि रिड्यूस, जिसमें रिड्यूस का मतलब क्या होता है, कमी लाना, रीयूज मतलब पुनः प्रयोग, मतलब किसी चीज का पुनः प्रयोग करना, रिसाइकल मतलब पुनः चक्रण, इसके तीनों सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई है। 3R फोरम की जो 8वीं बैठक का आयोजन भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, इसके अलावा देखें तो जापान सरकार के पर्यावरण मंत्रालय और यूनाइटेड नेशन सेंटर फॉर रीजनल डेवलपमेंट, जिसे हम बोलते हैं UNCRD, इसके द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। 1971 में क्या हुआ था, ये स्थापित हुई थी UNCRD जापान सरकार और संयुक्त राष्ट्र के बीच एक समझौते पर आधारित है।
मध्य प्रदेश सरकार, इंदौर नगर निगम और भारतीय उद्योग परिसंघ भी इस आयोजन के सहयोगी थे। जैसे देखें इसकी थीम इस बार की, तो 3R और संसाधन क्षमता के जरिए स्वच्छ जल, स्वच्छ भूमि और स्वच्छ हवा हासिल करना एशिया प्रशांत समुदाय के लिए 21वीं सदी की दृष्टि था। इस फोरम की बैठक के दौरान क्या हुआ, मिशन जीरो वेस्ट के विजन पर केंद्रित इंदौर 3R डिक्लेरेशन को भी अपनाया गया। आज के इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में बात करते हैं, तो आज के हमारे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है, JRD टाटा। तो इनका पूरा नाम यदि देखें तो जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा। तो इनका जन्म हुआ था 29 जुलाई 1904 को पेरिस फ्रांस के अंतर्गत, मृत्यु हुई है 29 नवंबर 1993 को जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंतर्गत। तो जो दुनिया मतलब जो आधुनिक भारत में है उसमें बुनियादी तौर पर जो है बहुत सारे उद्योगपति है, तो उद्योगपतियों में सबसे अधिक मतलब सबसे ऊपर नाम किसका आता है, JRD टाटा का। इन्होंने जो है देश में पहली वाणिज्यिक विमानन सेवा जिसे हम बोलते हैं टाटा एयरलाइंस शुरू की, और ये आगे चलकर इसका नाम बदल दिया गया तो राष्ट्रीय विमान सेवा जिसे हम एयर इंडिया बोलते हैं, तो ये बन गई। इस कारण जो JRD टाटा है इनको भारत के नागरिक उड्डयन का पिता भी कहा जाता है। सर दोराबजी टाटा जो ट्रस्ट है इसकी शुरुआत की गई थी और शुरुआत से ही ये ट्रस्टी रहे थे, और इस ट्रस्ट के द्वारा मतलब इनके मार्गदर्शन में इस ट्रस्ट के द्वारा क्या किया गया था, 1941 में टाटा मेमोरियल सेंटर फॉर कैंसर रिसर्च एंड ट्रीटमेंट की स्थापना की गई, और यह जो है एशिया में अपने तरह का पहला कैंसर का अस्पताल था। उन्होंने भारत की शिक्षा के आधारभूत ढांचे को विकसित करने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने क्या किया, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स, इसकी भी स्थापना की है। अगर इनकी पुरस्कार की बात करें उपाधि की, तो पद्म विभूषण मिला उनको 1957 में, भारत रत्न मिला 1992 में, गुगेन हिम मेडल फॉर एविएशन मिला 1988 में, लीजन ऑफ द ऑनर मिला 1954 में। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अंतर्गत देखेंगे आज हम लैन। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे कि हम बात करते हैं कोई नेटवर्क बनाना, मान लीजिए आप एक कंप्यूटर लैब में एक नेटवर्क बनाना चाहते हैं, तो मतलब जो नेटवर्क है, नेटवर्क तो तीन प्रकार के होते हैं, जैसे लैन हो गया, एक हो गया मैन हो गया, और एक हो गया वैन। तो लैन जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है, मैन जो होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, और वैन जो होता है वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तो हमें देखना क्या, लैन। तो लैन जो है एक प्रकार का लोकल, बोले तो एक बिल्डिंग हो गया, एक है मतलब घर हो गया, एक फिर कंपनी हो गई, मतलब एक कैंपस के अंतर्गत जो नेटवर्क काम आएगा एक दूसरे से मतलब कंप्यूटर को एक दूसरे में कनेक्ट करके क्या करना, डेटा की शेयरिंग करना, ताकि हमारा काम क्या हो, आसान हो। नहीं तो क्या होगा, हम यहाँ से कोई अदर डिवाइस मतलब एक्सटर्नल डिवाइस पेन ड्राइव कनेक्ट करेंगे और कॉपी करके यहाँ ले जाएंगे। तो इस प्रकार की समस्याओं से बचने के लिए हम क्या करते हैं, वायर्ड मीडिया के माध्यम से मतलब किसी निश्चित डिवाइस से, जैसे मान लीजिए हब की सहायता से, या फिर बोल सकते हैं हम रूटर की सहायता से, रिपीटर की सहायता से, ये सभी जो मीडिया है इनके द्वारा हम कनेक्ट कर लेते हैं एक कमरे के कंप्यूटर को या फिर एक बिल्डिंग के कंप्यूटर को, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लैन बोलते हैं। तो लैन जो है एक प्रकार का क्या है, जैसे ज्योग्राफिकल एरिया में इसकी दूरी जो होती है सीमित होती है, ये घर ऑफिस या कॉलेज में इस्तेमाल किया जाता है, ओनरशिप जो होती है इसकी प्राइवेट होती है। उसके बाद देखें तो ये आसानी से नेटवर्क बनाया जा सकता है इसमें, और इस नेटवर्क की जो डेटा ट्रांसमिशन तेज रहती है, क्योंकि जो दायरा होता है इसका सीमित होता है, तो इसके कारण क्या होता है, स्पीड इसकी बहुत तेज होती है। मैप प्रैक्टिस के अंतर्गत देखते हैं हम आज क्या, आज हम देख रहे हैं जॉर्जिया। तो जॉर्जिया देखें तो जॉर्जिया कहां पे है, जैसे यहां बात करते हैं हम हमारा प्यारा भारत, और यहां से हम चलें ऊपर की ओर, तो ये है जॉर्जिया। इसके बारे में देखते हैं ये कौन कौन सी कंट्री से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। जैसे ऊपर की तरफ देखें तो रूस है, अजरबैजान है, आर्मेनिया है और तुर्की है, ये चार कंट्री से अपनी बॉर्डर शेयर करता है, और ये क्या है, ये काला सागर बोल सकते हैं हम, ब्लैक सी, तो इस तरफ से भी ये अपनी बॉर्डर शेयर करता है। इसकी राजधानी की यदि बात करें तो थ्लीब्लीसी इसकी राजधानी है, और जॉर्जियाई भाषा यहाँ की राजभाषा है। ग्योगरी मार्ग बेलासली यहाँ के राष्ट्रपति है, और इराकली घारी वास्ली यहाँ के प्रधानमंत्री है। लारी यहाँ की मुद्रा है, और जो है यूरोप में स्थित एक देश है, जो क्या होता है सन 1991 तक यह जॉर्जियाई सोवियत समाज गणतंत्र के रूप में सोवियत संघ के 15 गणतंत्रों में से एक था। और इसके जो बॉर्डर हमने देख लिया कौन कौन सी कंट्री से यह शेयर करता है। पिछले डे के क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करते हैं, तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा फोरम के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहले की यदि बात करें तो इसका उद्देश्य जो है ऊर्जा की सुरक्षा तथा ऊर्जा के क्षेत्र से जुड़े ज्ञान का आदान प्रदान करना, ये राइट है। उसके बाद देखें तो यह जो है
फोरम केवल ऊर्जा उत्पादक देशों से मिलकर बना है, तो ये रॉन्ग है। उसके बाद देखें तो अप्रैल 2018 में इसकी पहली जो बार है मतलब IEF की मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की है, तो ये जो है ये भी रॉन्ग है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, केवल एक। तो इसके बारे में देखते हैं हम, तो जो है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा इस फोरम का उद्देश्य क्या है ये हमने देख लिए। 16वें अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा फोरम की मंत्री स्तरीय जो बैठक है इसकी मेजबानी 10 से 12 अप्रैल 2018 तक भारत जो नई दिल्ली है भारत के अंतर्गत उसके द्वारा की गई है। और यह जो है ट्रांजिट देशों सहित ऊर्जा उत्पादक और ऊर्जा उपभोग करने वाले देशों से मिलकर बना है। उसके बाद देखें तो भारत ने इससे पहले जो है 1996 में गोवा में 5वीं IEF मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की थी। तो जो दूसरा और तीसरा जो है हमारे गलत है, तो पहला जो हो गया हमारा राइट आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रपति जी हमारे रामनाथ कोविंद सरकारी यात्रा मतलब 3 देशों की यात्रा पर गए थे। तो जो अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप का देश जो है इक्वेटेरियल गिनी किस महासागर के तट पर है, तो इसका राइट आंसर क्या है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। जैसे कि बात करें इसकी तो मैप में हमको दिख रहा है अटलांटिक, इसके ऊपर जाएं तो उत्तरी अटलांटिक दिखता है और यहाँ नीचे दक्षिण अटलांटिक। तो ये जो है कैमरून और जो गेबरॉन है इन दोनों कंट्री से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। और ये जो है इक्वेटेरियल गिनी मतलब ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है, गिनी की खाड़ी के कारण मतलब जो भूमध्य रेखा और गिनी की खाड़ी है उसके नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है, इक्वेटेरियल गिनी। इसकी राजधानी की बात करें तो मलावो यहाँ की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, तो भारत की मदद से किस देश में अरुणा 3rd जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, तो इसका राइट है नेपाल है। तो इसके बारे में देखते हैं, तो भारत की जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है सतलुज जल विद्युत निगम ने नेपाल सरकार के साथ 900 मेगावाट की अरुणा 3rd पनबिजली परियोजना के विकास के लिए समझौता किया है। और परियोजना जो है पूर्वी नेपाल में स्थित जो है सखुम्बा सभा जिलों की अरुण अरुण नदी पर स्थित है। आज के क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, तो प्रोजेक्ट धूप किससे संबंधित है, तो यहाँ आपको राइट आंसर सेलेक्ट करना। फिर देखना है मानस नेशनल पार्क के संबंध में कौन से कथन सत्य है, इनमें से आपको कथन को निष्कर्ष निकालना है और यहाँ आपको राइट आंसर सेलेक्ट करना। फिर देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ चारों में से आपको गलत वाला सेलेक्ट करना है। तो इन सभी के आंसर आपको यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, और यदि आप उसमें नहीं देना चाहते कमेंट तो आप फेसबुक पर जहाँ वीडियो शेयर होता है वहाँ पर इसके कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दिया करो और साथ में शेयर भी कर दिया करो, जितना अधिक आप शेयर करेंगे सबका फायदा होते चलेगा। और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो पहले सब्सक्राइब कर ले, और उसके साइड में बेल आइकॉन उसे क्लिक करना ना भूले ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।